हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आपका ईडियम्स फ्रेजेस हो, वो तो मैंने आपको करा दिया है, चाहे वो आपका ओडब्ल्यूएस हो, है ना, और ग्रामर पार्ट हो। तो आज मैंने मॉर्निंग में ग्रामर पार्ट डाला था, एडेड डिडक्शन एंड फिलर्स। तो जिन्होंने भी वो अभी तक नहीं देखा है, वो प्लीज़ जाके देखें आप, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपके ग्रामर रूल्स आपके लगभग कवर हो जाएंगे। और भी वीडियोस आएगी उस पर, कुछ पार्ट बनाऊंगा मैं और, है ना, एक तो बना दी पार्ट वन, तो वो भी आ जाएगा पार्ट टू भी, ठीक है। और ये ओडब्ल्यूएस का पार्ट थ्री है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जितनी भी मैं आपको करा रहा हूँ अभी तक, तो मैंने कंटेंट जितना भी आपको प्रोवाइड किया है, मैं आपको मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्लीज़ आप उसको आप ढंग से कर लेना, तो आपको एग्ज़ाम में यही देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे सारा कर लेना, तो आपको एग्ज़ाम को देखने को मिलेगा, ओके। तो प्लीज़ आप रिवाइज करते रहे, हर एक चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना, तो आपको याद हो जाएगा। और ये क्यूज की फॉर्म होगा, तो आपको कमेंट जरूर करना कि आपका क्या स्कोर बना, ओके। उसे स्टार्ट करते आज सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपके लिए इतनी वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, लाइक तो बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। जितनी भी प्रीवियस मैं बनाता रहता हूँ, पीडीएफ आती रहती है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सेशन, लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। इतनी मैं बैक टू बैक थ्री वीडियोज़, टू वीडियोज़ ला रहा हूँ पर डे, वो आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जितनी भी कंटेंट है वो प्रीवियस पर बेस्ड है, और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और एरर डायरेक्शन वाला जरूर करना, स्पॉटिंग एरर में जिसको दिक्कत आती है वो कर लें, आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई एग्जाम हो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ, फर्स्ट वर्ड वी हैव, हाँ, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? इनऑडिबल, इनविजिबल, इनकोरिजिबल, इनक्रेडिबल, फास्ट, जल्दी बताओ। डन, द आंसर विल बी इनऑडिबल, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, है ना। वो बोलते हैं ना, इज इट ऑडिबल, मतलब जो सुनाई नहीं दे रहा, वो बोलते दिस कैन नॉट बी हर्ड, ओके। इनऑडिबल, इनविजिबल सबको पता, इनकोरिजिबल, That cannot be corrected, that cannot be reformed, जिसको reform नहीं कर सकते ना, cannot be reformed, जिसको change नहीं कर सकते, firmly fixed होता है ये, firmly fixed होता है, cannot be changed easily, ये change नहीं कर सकते, है ना। और incredible means क्या होता है, seems impossible, है ना, you can say hard to believe, unbelievable you can say, है ना। चलूँ आगे, बियॉन्ड बिलीफ यू कैन से, ओके। चलूँ, ए विल बी द आंसर, फास्ट। अगला करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट विल बी द आंसर? थर्मामीटर, एल्टीमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, फास्ट। सब आंसर जरूर देना, सारे आंसर जरूर किया करें, और कमेंट जरूर किया करें, हमारा इसका स्कोर बना, ठीक है, उससे पता लगता रहेगा प्रिपरेशन के बारे में। हाँ, देन द आंसर विल बी, थर्ड विल बी द आंसर, बैरोमीटर। ये क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपने एटमोस्फेयर प्रेशर को मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। एंड व्हाट इज एमीटर? एमीटर मींस टू मेजर करंट, ठीक है, टू मेजर करंट इज नोन एज, क्या यूज करते हैं, एमीटर, एंड टू मेजर एटमोस्फेयरिक प्रेशर वी यूज बैरोमीटर, ओके। मूव टू नेक्स्ट वन, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, व्हाट विल बी द आंसर, फास्ट। डन, द आंसर विल बी, फोर्थ विल बी द आंसर, इनसेटिएबल विल बी द आंसर, ओके। चलो आगे, नेक्स्ट देखते हैं, टू इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, फास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, क्या होगा, ट्रिवियल, नोटिसेबल, नथिंग, या डिमिनिटिव। डन, द आंसर विल बी ए, ट्रिवियल। ट्रिवियल देखो, ट्रिवियल मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, यू कैन से लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसको लिटिल इंपॉर्टेंस देते हैं अपने, लिटिल इंपॉर्टेंस बोलते हैं उसको, है ना। और आपको सर बिसाइड द पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है लिटिल इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। चलो आगे, उसका एंटोनिम वैल्यूलेस बोल सकते हैं, वर्थलेस बोल सकते हैं, वर्थलेस, जिसकी वैल्यू ना हो, ऐसे मान लो आप, वर्थलेस, ओके। तो उसका एंटोनिम हो जाएंगे वैल्यूएबल, यूजफुल, सिग्निफिकेंट एंड ऑल, ओके। चलो आगे, टू पॉइंट टू, अगला देखते हैं, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास टाइम, व्हाट विल बी द आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने सर सही देंगे इसका। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास टाइम, फास्ट, स्पेलिंग जरूर याद रखना, जो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ ना, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। डन, द आंसर विल बी ए, विल बी द आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, जो एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, अपना पास्ट टाइम लुकिंग बैक देखना है ना उसके बारे में, तो रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं उसको, ओके। और इंट्रोस्पेक्शन मतलब डीप थॉट, यू कैन से डीप थॉट, मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन, ब्रूडिंग, ब्रूडिंग भी बोलते हैं,
सेल्फ एनालिसिस करना, मतलब कुल मिला के इसका मतलब सेल्फ एनालिसिस करना, समझ रहे हो, है ना। बाकी मैं आपको समझ रहे ना आपको, हाँ चलूँ आगे। और सर्कमस्टेंशन मतलब क्या होता है, जो यू नो ये वो होता है क्या, कॉशन, केयरफुलनेस, वो विजिलेंस वो होता है इसका, वॉचफुलनेस वो होता है, सरकम इंस्पेक्शन डिस्क्रीट यू कैन से, ओके। और स्पेलिंग जरूर याद रखते रहना सबकी। हाँ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन फास्ट, ऑर्चर्ड, फार्म, प्लांटेशन, गार्डन, ये सब लगभग गलत करेंगे मुझे लग रहा है। इसका पता लगे ना आपको, मतलब क्यों कहते सावधानी, क्वेश्चन, डिस्क्रीट, प्रूडेंस, लिख देता हूँ एक बार आपको ना, कन्फ्यूज ना हो आप, जहाँ नीड होगी मैं बताता रहूँगा, वरना तो आपको जल्दी जल्दी खत्म करवाऊंगा ना ये, क्योंकि आपको बस टाइम इतना है नहीं, तो जल्दी जल्दी प्रूडेंस, PRUDENC मतलब कॉशियस जो रहता है। जल्दी करते हैं आप, फास्ट। अ प्लेन वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर वन मिनट ज़्यादा कर रहे ना तो मैं एक्सप्लेन आपको कर नहीं पाऊंगा जल्दी जल्दी ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। हाँ, ऑर्चर्ड, फार्म, प्लांटेशन, गार्डन, व्हाट विल बी द आंसर, फास्ट बताओ। डन, द आंसर विल बी ऑर्चर्ड, है ना, ये देख इंपॉर्टेंट है ऑर्चर्ड याद रखना। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन इज नोन एज ऑर्चर्ड, ऑर्चिड बोल सकते हो भी है। हाँ, अगला देखो, वन हु एम्ब्रेसिस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर, फैनेटिक, मार्टर, पेट्रियोटिक, डिप्लोमेट, ये सबको आता होगा। डन, द आंसर विल बी सेकंड विल द आंसर, मतलब मार्टर, शहीद होना, शहीद है ना, शहीद बोलते हैं इन हिंदी, यू कैन से, है ना। वन हु एम्ब्रेसिस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, के लिए, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री इज नोन एज मार्टर, ओके, MARTYR याद रखना, मार्टर। चलो आगे, नेक्स्ट वन देखो, वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, साइनिक, साइंटिस्ट, फिलेंडर, फिलिस्टाइन, व्हाट विल द आंसर, बताओ। डन, द आंसर विल बी फिलिस्टाइन, विल बी द आंसर, वन हु इज डिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर इज नॉट फिलिस्टाइन। आगे देखो, नेक्स्ट वन वी हैव, फ्लावर्स और लीव्स, सॉरी आंसर बता दिया, हाँ, फ्लावर्स और लीव्स, वुमेन, लीव्स, फ्लावर, लीव्स, वुमेन टूगेदर, है ना, वुमेन टूगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन ए कॉफिन और ग्रेव, अब इसका आंसर आपको आता होगा, ठीक है, तो मैं दिखाई देता हूँ, रीड विल बी द आंसर, है ना। और बोकेट देखो, बोकेट कहते मतलब गुलदस्ता टाइप जैसा, जब प्रेजेंट देते हैं ना आप किसी को बड़ा सा फ्लावर, उसको तो बोकेट याद रखना, प्रीवियस ने बहुत बार पूछा गया बोकेट, समझ रहे हो, बोकेट क्या होता है, कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो होते हैं वो जैसे प्रेजेंट करते हैं एक बड़े बड़े फ्लावर ना, उसको बोकेट बोलते हैं, ठीक है, बोकेट फ्लावर के रूप में देते हैं प्रेजेंट। और रिय मतलब क्या होता है, जो कॉफिन और ग्रेव जो फ्लावर चढ़ाते हैं वो होता है, ठीक है, फ्लावर और लीव्स मूवमेंट टुगेदर इन ए सर्कल फॉर प्लेसिंग और कॉफिन, कॉफिन और ग्रेव, उसको मतलब रीड याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना, मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट ही आएगा, ठीक है, चलूँ आगे। और बॉकेट अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। मूव टू नेक्स्ट वन, टू गिव अप द थ्रोन, बिक्विट्स, यूसर्फ, कोसाइन या रिनाउंस, व्हाट विल बी द आंसर। डन, द आंसर विल बी रिनाउंस, रिनाउंस मतलब गिव अप करना, मतलब गिव अप मतलब एबडिकेट, अपना जो थ्रोन है वो त्यागना, गिव अप करना, ठीक है। और बिक्विट मतलब क्या होता है, मतलब बीक्विज मतलब क्या, वसीयत करना, ये तो पता ना, वसीयत करना सबको पता होगा, वसीयत करना तो, ठीक है, और मेरे को बड़ी याद नहीं आ रही, वसीयत याद रख लो आप। चलो आगे, और यूसर्फ मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, यूसर्फ जब्त कर लेना ना, सीज, यू कैन से लिख देता हूँ, SEIZE, सीज करना, जब्त कर लेना, और आपका क्वेश्चन हड़प लेना, यू कैन से ना। हाँ, नेक्स्ट देखो, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इनक्रेडिबल, इल्यूजिबल, इनएप्ट या इलिसिट, व्हाट विल बी द आंसर, फास्ट। देन द आंसर विल बी इलिसिट, ठीक है, इलिसिट विल बी द आंसर, याद रखना, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन अपॉइंट बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़े को सुलझाना, क्या होता है, ब्रोकर, वैल्यूड, ऑडिटर, आर्बिट्रेटर, बताओ कौन को सही करेगा इसका आंसर, देखता हूँ। अ पर्सन अपॉइंट बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, क्या होगा, ABCD, यहाँ पे चेक कर लूँ, सही ना, हाँ, ये सारे कर लेना ना फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस रखे हैं, अगेन एंड अगेन, और लाइक जरूर कर देना सेशन को, पसंद आ रहा हो तो। डन, द आंसर विल बी आर्बिट्रेटर, विल बी द आंसर, आर्बिट्रेटर मतलब क्या होता है, ये रिजॉल्व करता है टू पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट, जो झगड़ा है ना। नेक्स्ट देखो, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, नेस्ट, क्लच, ब्रूड या ऑफस्प्रिंग,
ये इंपॉर्टेंट है। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, देखते हैं कितने इसको सही करेंगे इसका जवाब। देन द आंसर विल बी ब्रूड, है ना, ब्रूड बोलते हैं जिसको, जो फैमिली होती है यंग एनिमल्स की ना। और ऑफस्प्रिंग का तो ये अलग चीज है, ये चाइल्ड और वो उससे रिलेटेड हो गई, बट ये फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो ब्रूड मतलब और भी क्या मतलब होते हैं, पोंडर ओवर होता है, याद रखा, दो मीनिंग होते हैं इसके, पोंडर ओवर है ना, सोचना विचार करना, तो दो मीनिंग याद रखा करो आप। अगर इसके लिए कोई और आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये भी याद रखना। ड्वेल 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 ओवर, ड्वेल बोलते हैं, ड्वेल सोचना वो होता है, तो दोनों मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। ओके चलूँ आगे। और क्लच मतलब क्या होता है, क्लच क्लच मतलब पकड़ना है ना, ये बोल सकते हैं ग्रैस्प करना, ग्रैस होल्ड करना, होल्ड बेसिक वर्ड होल्ड। ठीक है चलूँ आगे नेक्स्ट देखो। अ पर्सन हु ड्रॉज प्रोड्यूसेस मैप्स, क्या हुआ, कैलीग्राफर कार्टोग्राफर लेक्सिको, देखो अभी सुना, कैलीग्राफर कार्टोग्राफर लेक्सिकोग्राफर या क्रियोग्राफर, ये जल्दी इसलिए बोलते हैं ताकि जल्दी जल्दी कराऊँ आपको ना। डन, आंसर विल बी कार्टोग्राफर, मतलब क्या होता है, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, जो डिक्शनरी से रिलेटेड है, अ कंपाइलर यू कैन से राइटर ऑफ डिक्शनरी, उसको बोलते हैं लेक्सिकोलॉजिस्ट। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी कंपाइल करता है डिक्शनरी को, राइटर ऑफ डिक्शनरी उसको लेक्सिकोग्राफर। और कैलीग्राफर ये मैं अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसी पे तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं ना। नेक्स्ट देखो, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, एडोरेबल एडमेंट एमिनेबल एबोमिनेबल, फास्ट व्हाट विल बी द आंसर। सभी दिया करें जवाब ना, कमेंट भी जरूर किया करें, जिनका जिनका जिन्होंने पूरा टाइम किया है सब किया करें टाइम ना, आपके एग्जाम में सारे मिलेंगे आपको देखने को इनमें से ही। डन, द आंसर विल बी अमेनेबल, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, इजिली कंट्रोल, यू कैन से कंट्रोल कर सकते जिसको, सो बोलते हैं अमेनेबल। ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, इंस्टेंस इलस्ट्रेशन मैक्सिम या पैराबल, ये अच्छा है, टाइम ले सकते हैं आप। डन, व्हाट विल द आंसर, द आंसर विल बी मैक्सिम विल बी द आंसर। ओके क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट इज नोन मैक्सिम। और पैराबल मतलब क्या होता है, पैराबल बताओ, पैराबल मतलब कहावत, यू कैन से फैबल, कहावत मतलब कहावत, उसको बोलते हैं एलिगोरी, अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी, है ना, ये सब रिलेटेड होती है एनिमल्स करेक्टर्स की, ये सब रिलेटेड, पैराबल फैबल एलिगोरी लिख देता हूँ, ए डबल एल ई जी ओ आर वाई एलिगोरी, सॉरी। चल चलता हूँ आगे ना, थर्ड उसका आंसर हो जाएगा, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, व्हाट विल बी द आंसर, ग्रोसर कन्फेक्शनर कॉबलर बार्बर। डन, द आंसर विल बी कन्फेक्शनर, मतलब दिखने स्वीट वाला मिठाई वाला जिसको बोलते हैं, सो कन्फेक्शनर बोलते हैं, याद रखना मतलब कन्फेक्शनर। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट एंड पेस्ट्रीज इज नोन एज कन्फेक्शनर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, पेंटर आर्टिस्ट कैलीग्राफर कार्टूनिस्ट, व्हाट विल बी द आंसर, बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा इसका। डन, द आंसर विल बी कैलीग्राफर, देखो अभी मैंने बताया था ना, कार्टोग्राफर मैप से रिलेटेड, लेक्सियोग्राफर डिक्शनरी से रिलेटेड, एंड कैलीग्राफर इज राइटिंग से रिलेटेड, ब्यूटीफुली रिच की राइटिंग होती है, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं बताया था। ठीक है तो याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमैन, क्या होता है, ग्रीन हाउस नर्सरी वेयर हाउस हर्बेरियम, फास्ट ये देखते हैं कितने से सही करते हैं इसका जवाब। क्या होगा, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमैन, ए बी सी डी। हाँ डन, आंसर विल बी फोर्थ विल बी द आंसर, हर्बेरियम बोलते हैं जहाँ पर कलेक्शन होता है ड्राइड प्लांट का। ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ पर्सन और थिंग दैट हैज सेम नेम एज अनदर, क्या होगा, सूडो नेम, नेम से रिलेटिव सक्सेसर, फास्ट देखते हैं ये भी कितने से सही देंगे। कुछ 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 मैंने बड़ा अच्छे नाम है। डन, आंसर विल बी नेम सेक, मतलब अ पर्सन दैट इज नेम से, मतलब जैसे आपका नाम और किसी का नाम सेम होता है तो बोलते हैं नेम से बोलते हैं उसका, पर्सन और थिंग दैट इज सेम नेम एज अनदर, सेम नेम होता है, और सूडोनेम फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस देखो स्पेलिंग लिख देता हूँ, एफ आई सी टी आई फिक्टिशियस नेम बोलते हैं, है ना, जिसको फिक्टिशियस नेम जो यूज़ करता है फिक्टिशियस, एनोनम एनोनम एनोनमस, यू कैन से एनोनम ए एन एन वाई एम एनोनमस, ठीक है, फिक्टिशियस नेम यूज़ करता है, यू नो झूठा नाम, है ना। चलूँ आगे, हाँ, अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट, सॉरी द स्टेट ऑफ रिमिंग अनमैरिड, फेमिनिज्म पॉलीगैमी सेलिबेसी या मोनोगैमी, व्हाट विल बी द आंसर,
डन द आंसर विल बी सेलिबेसी विल बी द करेक्ट वन द स्टेट ऑफ बींग रिमेन अनमैरिड उसको बोलते हैं सेलिबेसी ओके और पॉलीगेमी मतलब क्या होता है पॉलीगेमी मीन्स हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम ठीक है हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम उसको बोलते हैं पॉलीगेमी चलो आगे और ये मोनोगेमी इसका मतलब हैविंग ओनली वन स्पाउस देखो डिफरेंस देखो अगर ढंग से बताता हूँ देखो इसका मतलब ढंग से बताता हूँ इसमें क्या आएगा हैविंग मोर देन वन स्पाउस और इसमें हैविंग ओनली वन ओके चलो आगे मूव टू नेक्स्ट वन उसका आंसर तीसरा हो जाएगा याद रखना ना हाँ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समवन और समथिंग सिंपैथी टेलीपैथी एंटीपैथी एम्पैथी व्हाट विल बी द आंसर जल्दी बताओ डन द आंसर इज एंटीपैथी विल बी द करेक्ट वन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समथिंग और समवन एंटीपैथी बोलते हैं इसको ना एवर्जन यू कैन से एवर्जन ठीक है डिसलाइक चलूँ और ये तो टेलीपैथी सबको पता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना अपरेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर उसको टेलीपैथी बोलते हैं चलो आगे हाँ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन अ डिसीजन ऑन विच वी कैन नॉट मतलब यू कैन से कैन नॉट गो बैक एक बार डिसीजन ले लिया वापस नहीं कर सकते कैन नॉट बी गो बैक क्या होगा व्हाट विल बी द आंसर सब दो जल्दी जल्दी दो देखो मैं आपको इसका ढंग से मीनिंग बता दूँ टेलीपैथी देखो मैं वैसे देखो ढंग से बताऊँ इसका मतलब बोलते सिक्स्थ सेंस समझ रहे हो सिक्स सेंस होता है इसका मतलब यू नो एबिलिटी टू नो अनदर थॉट्स है ना उस दूसरे की जो थॉट्स है वो पता लगाना टेलीपैथी बोलते हैं उसको ना ये याद रखना सिक्स सेंस बोलते हैं सिक्स सेंस वो प्रीमोनिशन मतलब एक दूसरे का माइंड पढ़ लेना उसको बोलते टेलीपैथी ओके ढंग से बता दिया अ डिसीजन ऑन विच वी कैन नॉट बी गो बैक इंट्रैक्टेबल इनविंसिबल इनवनरेबल इरिवोकेबल द आंसर इज फोर्थ विल बी करेक्ट वन इरिवोकेबल है ना इरिवोकेबल विल बी द करेक्ट वन ओके चलो अगर ये फास्ट फास्ट बोलने के कारण थोड़ा गलत बोल देता हूँ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सर्फिंग कैटास्ट्रोफिक स्पैस्मोडिक कैटाटोनिक या चैज्म क्या होगा कैज्म व्हाट विल द आंसर डन द आंसर विल बी कैटास्ट्रोफिक ये बेसिक सबको पता होगा ना कैटास्ट्रोफिक ग्रेट डैमेज और सर्फिंग इज नोन एज कैटास्ट्रोफिक याद रखना ना ये सब मूव ऑन टू नेक्स्ट वन सॉरी हाँ द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइंस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर विटिकल्चर सेरिकल्चर हाँ देखो फ्रेंड्स जो मैं ऑप्शन नहीं बता पा रहा हूँ ये मतलब इसका यह मतलब है कि जो मैंने प्रीवियस में कराया हुआ प्रीवियस मतलब जितनी वीडियोज है ना सब कराया हुआ है तो आप प्लीज़ जो मॉक्स में करा रहा हूँ मॉक्स जो मैंने कराए हैं पहले वो भी आप ढंग से देख लें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मॉक्स आपके सारे लिए आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है वो मॉक्स तो प्लीज़ ढंग से आप कर लेना ना सारे जो भी मेरा कंटेंट ज़्यादा मैं कंटेंट कराया नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा कंटेंट में मेरे को क्वालिटी पे बिलीव होता है क्वालिटी अगर मैं अच्छी दे रहा हूँ आपको तो आप आराम से उस चीज़ को आराम से कर सकते हो ज़्यादा चीज़ें देने से कोई मतलब नहीं होता फिर वो मिक्सअप हो जाता है समझ रहे हो हाँ प्रीवियसर पे बेस देते और सारे होते हैं हाँ द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइंस क्या होगा ABCD डन द आंसर विल बी विटिकल्चर मतलब ग्रेप वाइंस रिलेटेड अभी देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया तो उसने मैंने डाल दिया इसमें ना और सेरिकल्चर मतलब है सिल्क वॉर्म रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स वो होता है सेरिकल्चर ठीक है नेक्स्ट देखो टू एक्सप्रेस इज इन एन अनक्लियर वे इलोक्वेंट गार्बल लूसी इंटेलिजिबल व्हाट विल द आंसर ये इंपॉर्टेंट है ये करो ये थोड़ा अच्छा है ना डन द आंसर विल बी गार्बल्ड ये अच्छा था ना इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ आ भी सकता है टू कन्फ्यूज यू कैन से ना जम्बल ठीक है तो गार्बल बोलते हैं सो गार्बल लूसिड क्लियर ये तो सबको पता ही है चलो आगे मूव टू नेक्स्ट वन समथिंग हैपनिंग बाय चांस इन हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे अब देखो ये मैंने क्वेश्चन अपनी मॉक्स में कराया हुआ है तो जो वो पढ़ते हैं वो सब कर लेंगे सेरेनिटी सेरेंडिपिटी मिसएडवेंचर फोर्टिट्यूड व्हाट विल बी द आंसर देन द आंसर विल बी सेरेंडिपिटी विल बी द आंसर स्पेलिंग याद रखो SERENDIPITY होती है वो ऐसे देता है PTY दे देता है वो आपको एग्जाम में गलत होता है PTY PITY होता है ऐसे याद रखो ना
तो वो घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है आपको, तो आप सबके लिए तैयार रहना। तो PTY देगा, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, गुड लक, फ्लूक, मैं लिख देता हूँ FLUKE, फ्लूक बोल सकते हैं, इट्स अ फ्लूक, गुड लक, है ना, याद रखना। चलिए होंगे एक्सीडेंटल, हाँ बाई चांस होता है जो। गो टू नेक्स्ट वन, मेकिंग अ शो, बींग मोरली सुपीरियर टू अदर्स, अप्रूविंग सेंक्टम सेंक्टिमोनस प्रोफिलिगेट, बट ओनली द आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लगता है स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे इसमें। हाँ द आंसर इज सेंक्टिमोनियस, मतलब जो सुपीरियर दिखाता है जो, है ना, कि मैं इतना पाइटी हूँ, डिवोशन है मेरा, डिवोशन है मुझ में भगवान के प्रति, वो सेंक्टिमोनियस बोलते हैं उसको ना, सेंक्टिमोनियस। ओके, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जो यू नो दिखाता है, जो ज़्यादा प्रिटेंड करता है अपने आप को, बायगोटेड बोलते हैं इसको, बायगोटेड, है ना, और हिपोक्राइट बोल सकते हैं, हिपोक्राइट, ठीक है। और वर्ड्स बता देता हूँ आपको, हिपोक्राइट की और डिवोशन ज़्यादा दिखाता है वो बोलते हैं ना, सेल्फ राइटियस, बायगोटेड याद रखो आप, फॉल्स, हिपोक्रेट होते हैं ना ऐसे लोग, ऐसे याद रखो आप, पायस बोल सकते हैं, पायस, PSPIOUS, है ना, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा तो सीधा देखा, हम्बल, मीक, मॉडेस्ट जो होते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो आगे, और सेंक्टम, सेंक्टम के एल्टर, एल्टर होता है श्राइन, टेम्पल, होली प्लेस बोलते हैं इसको, सेंक्टम को, यू नो, आ सेक्रेट और होली प्लेस इज नोन एज सेंक्टम, ठीक है। चलो, और प्रोफिलिगेट का मतलब इमोरल, करप्ट, ये तो मैंने बताया हुआ है वीडियो से पहले, बहुत वीडियो में बताया हुआ मैंने ना, ल्यूड, डिबाउचे, ल्यूड, है ना, और हाँ इमोरल, करप्ट होता है, ये याद रखो बस, है ना, बेकार पर्सन, शेमलेस पर्सन, इमोरल पर्सन यू कैन से, ठीक है। वही सेंक्टम याद रखना, और सेंक्टम डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट देखो, प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली, इंटेंडेड टू कॉज हार्म, बेनेवोलेंट, इनसीडियस, सॉल्वेंट, मैलेवोलेंट, व्हाट विल द आंसर, ये बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं वो आई आपको करा लो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म, व्हाट विल बी द आंसर, बेनेवोलेंट, इनसीडियस, सॉल्वेंट, मैलेवोलेंट, देन द आंसर इज इनसीडियस, इनसीडियस मींस स्नीकी, ट्रिकी, आर्टफुल, करप्ट, बिगाइल यू कैन से, बिगाइल, है ना, बिगाइल, एंड ऐसे बोल सकते हो आप, एन इनसीडियस प्लान, मतलब डिसीजफुल प्लान, है ना, ऐसे सीक्रेटली कॉज, किसी को सीक्रेटली कॉज हार्म करना। तो मेन वर्ड बताता हूँ, मैशेवलियन, जो आया प्रीवियस में आया हुआ है, MACHIAVELIAN, मैशेवलियन बोलते हैं, याद रखना ना, मैशेवलियन, है ना, क्रूक्ड यू कैन से, और इसका एंटोनिम बताएगा तो हॉनेस्ट, सिंसियर, बस ऐसे याद रखोगे, इसलिए मैं प्रेफिडियस बोल सकता हूँ, देखो उसका मेन वर्ड क्या, प्रेफिडियस, ये लिख लेना आप, ये याद कर लो ना, इसका वर्ड प्रेफिडियस, PERFIDIOUS, प्रेफिडियस, याद रखो, सीक्रेटली, इसका मेन मैंने वर्ड भी बताया था, idiom, स्नेक इन द ग्रास, ये इस टाइप के पर्सन को क्या कहते हैं, लाइक अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, छुपके वार करना, कॉज हार्म करना, ठीक है। चलो आगे, कनिंग, डिस्टीपफुल, डिसेप्टिव, डेंजरस, ये होता है। नेक्स्ट वन देखो, टचिंग अलोंग द साइड ऑफ बाउंड्री, इनकॉन्स्पिश, अनपिटेनियस, हारमोनियस, कंटोजिवस, ये मैंने बताया हुआ है, देखते देख कितने सही करते हैं, अगर मेरे वीडियोस पढ़ते हैं तो सही कर देंगे, ढंग से पढ़ते हैं ना वो कर देंगे। हाँ द आंसर विल बी, फोर्थ विल बी द आंसर, कॉन्टेजुअस, मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलते हैं, AD, एडजेसेंट, इन कॉन्टैक्ट यू कैन से, क्लोज, जक्स्टापोज, ये सुना होगा हमने, जक्स्टापोज बोलते हैं, जक्स्टापोज लिख दूं, JUXTA, जक्स्टापोज, ठीक है, टचिंग उसको बोलते हैं। चलो, प्रॉक्सिमिटी, मैंने बताया प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं उसको। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, द एग्जैक्ट अपोजिट, प्रोथेसिस, एस्थेटिक, एस्थीट, एनालॉगस, एंटीथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, द एग्जैक्ट अपोजिट, सॉरी क्या होगा, डन, द आंसर विल बी एंटीथेसिस, विल करेक्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं ना, कॉन्वर्स होते हैं जो, कॉन्ट्रास्ट यू कैन से, कॉन्ट्रास्ट, है ना, इनवर्स, ऐसे मान लो,
और अपोजिशन का मतलब भी बोल सकते हैं अपोजिशन. ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. एंटीपोड बोल सकते हैं, एंटीपोड ही बोलते हैं, एंटीपोड. एग्जैक्ट अपोजिट यू कैन से पीओडी, है ना. नेक्स्ट देखो, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, स्लेव्स, इमिग्रेंट्स, एबोरिजिन या रेजिडेंट, क्या होता है एन ओरिजिनल. यहाँ पे द ओरिजिनल की बात हो रही है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये बताओ, डन. द आंसर इज एब्रोजिन. इसको बोलते हैं द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, इसको बोलते हैं एब्रोजिन. बाकी मत कर देना, बाकी अलग चीज़ है, ठीक है. एब्रोजिन याद रखना. द स्ट्रॉन्गली एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, राइवलेट, राइवल्ट क्रीक, टॉरेंट, ट्रिकल, व्हाट विल बी द आंसर. बताया हुआ मैंने. देन द आंसर इज टॉरेंट. टॉरेंट मीन्स हैवी फ्लो, कैस्केड, हैवी फ्लो ना, डेल्यूज, डेल्यू, इंडेंडेशन, बाढ़ से रिलेटेड होता है इंडेंडेशन. सब बताया हुआ मैंने ना, ये टाइड, वाटरफॉल याद रखना. ओके मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अ टेबल और फ्लैट सर्विस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डेटी, ये बताओ. ये भी बहुत बड़ा हुआ है. और डेटी मतलब पता है ना, गॉड, गॉड बोलते हैं ना, भगवान वो होते हैं, गॉड और गॉडेस वो होते हैं, डेटी. तो अ टेबल और फ्लैट सर्विस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू डेटी क्या होता है, वर्शिप के लिए ना, वर्शिप. द आंसर इज एल्टर. हवन कुंड बोल सकते हैं अल्टर, हवन कुंड, ठीक है. और इसका दूसरा वर्ड होता है अल्टर, वो तो पता ही आपको, ई आ गया तो वो जैसे क्लोज को अल्टर करना, अल्टर कर दो उसको, ये सबको पता है अल्टर होता है. ये अल्टर है, अल्टर अल्टर है. ए और ई में कंफ्यूज मत हो जाना. इट मींस यू नो भगवान को मतलब ये हवन कुंड बोलते हैं ना, हवन कुंड वो होता है, ऑफर करते हैं. अ टेबल ऑफ एयर सरफेस और अल्टर मतलब क्लोज को अल्टर करना. अ सॉन्ग एट अ बरियल, अ सॉन्ग संग एट अ बरियल क्या बोलते हैं, डर्ज, बैलेट, सोनेट, हिम, ये मैंने सब बता दिया आपको. तो आंसर क्या बचेगा, ये सभी कर लेंगे क्योंकि मैंने कल बार इस वीडियो में बताया है. आंसर इज डर्ज, है ना. अ सॉन्ग संग एट अ बरियल इज नोन एज डर्ज. मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. एनक्लोज एरिया वे एयरक्राफ्ट आर कैप्ट एंड रिपेयर्ड, ये करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करो. इसमें कन्फ्यूज होंगे सब. ए वन और थ्री में आंसर होगा, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, कर लिया होगा. हाँ देखता हूँ, द आंसर इज हैंगर. अब देखो जी एयर आ गया ना, तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है वो, और ये ई आ गया, ये तो सिंपल है, हैंगर, जो अपने क्लोज घर पे टांगते ना हैंगर पे वो होता है. तो ट्रिक याद, ए आ गया तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हो गया, ई तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, समझ में ना आप. चलिए ओके, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, बहुत बार आया हुआ है. और ये हॉर्स, ये क्या होता है, ट्यूब होती है, तो ट्यूब याद रखो, ट्यूब लिक्विड फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ठीक है, इसको बोलते हॉर्स, ठीक है. और हार्बिंजर क्या होता है, हार्बिंजर, ये भी इंपॉर्टेंट है. हार्बिंजर मतलब ऑगरी, ऑगर, मैंने बताया हुआ है ये सब हर जगह, बता, ओमन, मैसेंजर, पोर्टेंट, ओमेन, हेराल्ड, ये भी आया, एच ई आर ए एल डी, हेराल्ड. तो फ्यूचर इवेंट्स को यू नो साइन देता है, पता लग जाता है उसको क्या आने वाला है, एनीथिंग यू नो वो होता है, हेराल्ड, मैसेंजर, हार्बिंजर उसको बोलते हैं, है ना, ओमेन, पोर्टेंट, साइन, सिग्नल देता है फ्यूचर इवेंट्स के लिए. हाँ नेक्स्ट देखो, टू राइज इन वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ, ये मेरे को लगता है स्टूडेंट्स गलत करेंगे. डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट, एक्सटेंड या एनलार्ज, टू राइज इन वैल्यू, व्हाट विल बी द आंसर बताओ. डन, द आंसर इज एप्रिशिएट विल बी द आंसर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना. टू राइज इन वैल्यू मीन्स एप्रिशिएट, ओके, और डेप्रिशिएट उसका उल्टा हो जाता है, याद रखना. टू राइज इन वैल्यू एप्रिशिएट, और टू यू नो डिक्रीज होता है वैल्यू को, डिक्रीमेंट, यू नो इट इज नोन एज डेप्रिशिएट, ये नॉर्मल है, इसका अपोजिट हो जाएगा. तो एप्रिशिएट अच्छा है, याद रखना. प्रिटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम डेथ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बर्थ, सॉरी, है ना, माय मिस्टेक, बर्थ होगा ना, मतलब गलत बोल दिया, डेथ नहीं है, बर्थ है ना, बर्थ, सॉरी. प्रिटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, कंजेनिटल, क्रॉनिक, हैबिचुअल एनोमली, व्हाट विल द आंसर. Then the answer is A, congenital, inborn, you can say inborn, है ना. चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. ये इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला याद रखना. अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड, ये बताओ, प्रोफेट, एथिस्ट, स्कॉलर, वॉलंटियर.
देखो मैं आपको इसका अगर मीनिंग समझ में आ जाए तो मैं बताता हूँ। देखो जैसे बोलते हैं ना ये जन्मजात बोलते हैं, जन्मजात जैसे ये जन्मजात पागल है बोलते हैं ना, कॉन्जेंटल फूल यू कैन से, फूलिश है, फूल है, ऐसे मतलब जो बचपन से ही जो होती है ना, इनहेरेंट बोलते हैं, इनहेरेंट इसे मेरे को लगा इननेट, बचपन से ही इननेट जन्मजात, ढंग से बताया जाता है, मुझे लग रहा है कि नहीं पता चलेगा आपको, इनहेरेंट इनहेरिटेड वो होता है ये जन्मजात, ओके याद रखना, जो बचपन से ही चीज़ है है ना, नेचुरल में ही याद रखो। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसर्ड टू, ये बताओ कर लिया होगा, ए विल बी द आंसर प्रॉफेट, याद रखना ये सबको पता है प्रॉफेट। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड इज प्रॉफेट। नोट टू नेक्स्ट वन, हैविंग टू अपोज फीलिंग्स एट द सेम टाइम, इक्विवेलेंट कंटेम्पररी कोइंसिडिंग एम्बीवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। डन, द आंसर इज एम्बीवेलेंट, मीन्स हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स, फीलिंग्स और टू अपोजिंग फीलिंग्स होती है उसको बोलते हैं एम्बीवेलेंट, ओके। और एट द एंड ये आपकी क्यूज है, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जहाँ बताओ आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, फेमिनिस्ट, फेस्टिडियस, फेटलिस्ट, फैनेटिक, है ना, कमेंट करना अपना स्कोर विद इस क्यूज का आंसर जरूर देना आप, ओके। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे सेशन, प्लीज लाइक कर देना फ्रेंड्स, आपके लिए बैक टू बैक वीडियोज ला रहा हूँ मैं, और कंटेंट इतना अच्छा ला रहा हूँ आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। सो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।